आपको बताता हूँ कि भाई ये पपी है ना, मैं ले रहा हूँ। भाई बोल रहे थे काफी अच्छी चीज दूंगा भाई तुम्हें, बेकार चीज तो दूंगा ही नहीं। बच्चों के साथ प्लेफुल ब्रीड है और बहुत अग्रेसिवनेस तो इसके अंदर 1% है ही नहीं। गाइस तो यार आज मैंने ले लिया है, काफी टाइम बाद, मतलब 6 महीने का वेट करने के बाद मेरे को एक पपी मिल चुका है, जो कि आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और बाकी है ना, इसकी कौन सी ब्रीड है और कौन सी लाइन है, ठीक है, और कहाँ से आया है और कितना प्राइस में अगर आप भी परचेज करना चाहो तो कितने रुपए में मिलेगा आपको, और है ना सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखने वाला है। तो यार वेट किस चीज़ का है, तो देखो सिनेमेटिक शॉर्ट्स लो, एंजॉय करो, बाय बाय। तो गाइस तो यार रवि भाई के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी यार तुम्हें दिखाता हूँ मैं पपी, और पपी के रेट वगैरह जो भी है, जितना भी जो कुछ भी है ना इसकी डिटेल वो रवि भाई बताएंगे। रवि भाई एक बार ना इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। भाई फ्रेंच बुलडॉग है, देख रहे हो सारे। जैक है इसका नाम, जैक। और ठीक है गुस्सा नहीं। कितने साल की है ये? हो गई है भाई अप्रोक्स 519 का इसका बर्थ है। डेढ़ साल के आसपास हो चुकी है। और बाकी क्या नाम है, ये क्या खाता पीता है और ये सब चीजें सारी डिटेल बताओ। भाई इसकी फीडिंग वगैरह नॉर्मल है, मिनी रॉयल पपी, रॉयल कैनिन देते हैं फीड में, ठीक है। एग थोड़ा बहुत, दही वगैरह और थोड़ा चिकन बोनलेस, और नॉर्मली फीड के लिए थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह भी दे सकते हो, एप्पल बनाना भी खाती है ये, ठीक है, तो वो सब भी दे सकते। अच्छा ये फैमिली के लिए रखने में बच्चों के साथ मस्त है ना, एक्सोटिक ब्रीड है। तो भाई देखो तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें यार मेरी और बाकी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर भी मैंने यही बताया हुआ है कि मेरे घर के अंदर ना छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे ना कोई ऐसा ही पपी चाहिए था, तो इसीलिए ना मैंने ये वाला चूज किया। और बाकी भाई काफी बढ़िया है और काफी एक्टिव है भाई, सबसे मेन बात। और इसके पपीज वगैरह आपके पास अवेलेबल हो गए अगर ये वीडियो देख रही है? फ्रेंच बुलडॉग में थोड़ा सा ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग प्राइस होगा। अगर बात करें कि इम्पोर्ट ब्लड लाइन में, हम पे काफी ब्लड लाइन आ चुकी है, ठीक है, उसमें अब प्राइस उसके अकॉर्डिंग होता है, स्टार्टिंग 25-30 हज़ार से है और मैक्सिमम 1-1.5 लाख तक के अवेलेबल है इम्पोर्ट ब्लड लाइन। जैसे ब्लड लाइन कहोगे, इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्लड लाइन आ चुके हैं, एस्टर है, कार्पिस्टर है, बहुत सारे इन सब ब्लड लाइन। अच्छा और बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये पपी है ना मैं ले रहा हूँ, ठीक, जो काफी है, 6-7 महीने या 1 साल हो गया होगा मेरे को ये बात बोलते हुए कि भाई पपी दे दो, पपी दे दो, पपी दे दो। तो भाई अब ये वाला पपी भाई मेरे पास आया क्योंकि भाई बोल रहे थे काफी अच्छी चीज दूंगा भाई तुम्हें, बेकार चीज तो दूंगा ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। वही वाली बात है ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो वही वाली बात है, मीठा फल मिल रहा है हमें भाई। वेट करने पे सीधी से बात है, मैंने शुरू में पहले दिन बोला था कि अरुण की भाई यार रुक जाओ थोड़ा टाइम, एक अच्छी सी चीज आएगी तो मैं दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि देखो फिर ये फ्रेंच बुलडॉग है, तुम्हारे मतलब का आजकल जिम वगैरह भी जा रहे हो, जिमर्स के लिए खास चीज है, प्लेफुल ब्रीड है, घर में तुम्हारे भाइयों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के साथ प्लेफुल ब्रीड है और बहुत अग्रेसिवनेस तो इसके अंदर 1% है ही नहीं, ठीक है। और बाकी अगर जैसे कोई कुत्ता आता है जैसे वो उससे लड़ेगी वड़ेगी भी है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे रहती है ये उन मामलों में, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है कि अगर डायरेक्टली बड़ा कुत्ता है कोई जायंट है तो डायरेक्टली नहीं लड़ेगी, अगर उसका अगर आप देखोगे कि उसको बड़े गेट के अंदर बंद कर दो और उसको बाहर छोड़ दो, देखना कोई डर नहीं है, ढीट है एक नंबर की। तो भाई मतलब मस्त है यार, जो इसको लेकर के कहीं पे भी घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई किसी और कुत्ते से लड़ती बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं है ना, ना तो बस। तो फिर जैसे बंदे होते हैं डरते हैं कि हम डॉग ले रहे हैं हमारे घर में छोटे बच्चों को काट ले, तो वो तो 1% भी नहीं है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं है। चलो बढ़िया है। और बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसकी है ना वीडियोज वगैरह अगर आपको देखनी है, ठीक है ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आएगी, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करके बताना कैसी ब्रीड है कैसी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।